हेलो क्लास 8। प्रिंसेस सितंबर का ही लेसन हम पढ़ रहे थे, इसका सेकंड पार्ट है ये। प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्डन फॉर टू मच टू टेक चांसेस। प्रिंसेस सितंबर अपने जो उसका बर्ड था, पक्षी था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। टू मच टू टेक चांसेस और वो चांस लेना नहीं चाहती थी, ठीक है। एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस, और अपनी जो बहनें थी उनकी जो शिक्षा थी उसके ऊपर उसने काम किया। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम, और पक्षी था वो आज़ादी खोने का उसको भय था, वो उसके ऊपर वो भी आज़ाद ही रहना चाहता था, यानी कि ठीक है उसको सहन नहीं कर सका वो इस चीज़ को कि उसकी आज़ादी खो जाए। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबो हर ओन। प्रिंसेस सितंबर ने डिसाइड किया कि पक्षी को अपनी शर्तों पर खुश रखेगी। उसने प्रिंसेस सितंबर ने पक्षी को अपनी खुशी से ऊपर रखा, ठीक है। इट सीम्ड टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे ए लॉन्ग टाइम। ऐसा प्रतीत होता था प्रिंसेस सितंबर को कि उसका पक्षी है वो कई दिन से, लंबे समय से दूर चला गया। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, उसके साथ कुछ घटित हुआ होगा। वाट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, और उसको ये लगा कि जो बाज है, हॉक्स और स्नेयर्स जो पक्षी हैं वो छोटे पक्षियों को खा जाते हैं, मार देते हैं, तो उनके उसके साथ पता नहीं क्या मुसीबत पैदा हुई होगी। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर, और इसके बावजूद वो इसके बारे में भूल गया होगा। और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, और हो सकता है वो किसी और के बहकाव में आ गया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल, ये भयानक था। सी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, उसकी इच्छा थी कि वो वापस सुरक्षित वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड ए ट्विट ट्विट जस्ट बिहाइंड हर ईयर। अकस्मात ही प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने एक आवाज़ सुनी ट्विट ट्विट की जस्ट बिहाइंड हर ईयर, उसके कान के पीछे। एंड सी सा दी लिटल बर्ड सीटिंग ऑन हर शोल्डर, उसने देखा कि पक्षी था उसके कंधे पर बैठा था। से ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वो इतनी चुपचाप आया। एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली, और इतनी खुशी से, इनकी इतनी सॉफ्टली, दैट सी हैड नॉट हर्ड हिम, कि उसने उसको नहीं सुना। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, मेरे को आश्चर्य था कि धरती पर तुम्हारे साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। आई थॉट यू वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड, मैं सोचता हूँ उस आश्चर्य के बारे में। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, मैं आज रात भी वापस नहीं आने वाला था। माई फादर इन लॉ वाज गिविंग ए पार्टी एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, और मेरे फादर इन लॉ है वो एक पार्टी दे रहे थे और वो सभी चाहते थे कि मैं वहीं रहूं। बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस, लेकिन मैंने सोचा कि तुम मेरे प्रति जिज्ञासु होगी। अंडर द सर्कमस्टांसिस दिस वॉज ए वेरी अनकम्फर्टेबल रिमार्क फॉर द लिटल बर्ड टू मेक, और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसने ये कहा तो दुर्भाग्यवश ये रिमार्क टिप्पणी थी उसके लिए अच्छी नहीं थी, छोटे पक्षी के लिए। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट, सेप्टेम्बर को अपना दिल धड़कता सा महसूस हुआ। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने ये निश्चय बना लिया था कि अब वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेगी। सी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और उसने अपने हाथ लिए और पक्षी को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड, और पक्षी ने कोई भी संदेह नहीं किया और वो इतना आश्चर्यचकित हो गए। वैन सी क्राई कैरिड हिम ओवर टू द केज, और वो जब उसको पिंजरे के पास ले गई, पॉप्ड हिम इन, इसके अंदर रख दिया। एंड सेट द डोर ओन हिम, और उसके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और कुछ क्षण के लिए वो कुछ नहीं कह सका। बट इन ए मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज़ द जोक, और एक क्षण के अंदर ही वो उस पिंजरे का जो चबूतरा था उसके ऊपर उछला और कहा व्हाट इज़ द जोक, क्या मजाक है। देर इज़ नो जोक, कोई मजाक नहीं है, सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा। आई थिंक बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्रोवलिंग अबाउट टू नाइट, परंतु ममा की जो कैट्स हैं वो आज घूमती रहेंगी। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मैं सोचती हूँ कि तुम यहाँ सुरक्षित हो। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, ठीक है इस बात के लिए मैं ज़्यादा माइंड नहीं करूँगा, सेड द लिटिल बर्ड। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग
ठीक है, तुम सुबह होते ही मुझे इससे बाहर निकाल देना। ही एट ए वेरी गुड सपर। उसने बहुत अच्छी तरह खाना खाया। एंड देन बिगेन टू सिंग, और तब गाना शुरू किया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, परंतु गाने के बीच में ही वो रुक गया। आई डोंट नो वाट इज़ द मैटर विद मी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, ही सैड, उसने कहा। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, लेकिन आज रात मेरा गाने का मन नहीं कर रहा। वेरी वेल, ठीक है, सैड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टेड। और इसके बजाय वो सोने चले गए। ठीक है, तो कहते हैं कि इसके बजाय तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, इसलिए उसने अपना सिर अपनी पंखों में रखा। एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट एस्लीप, और एक मिनट में ही वो गहरी नींद में चला गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सेप्टेम्बर भी सो गई। बट वेन द डॉन ब्रोक ही वॉज अवेकन्ड बाई द लिटिल बर्ड, परंतु जब दिन निकला तो वो छोटे पक्षी के द्वारा जगा दी गई। कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और वो जोर जोर से जोर कर रहा था। वेक अप वेक अप ही सैड, उसने कहा, जल्दी उठो उठो। ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई, मैं उड़ना चाहता हूँ, उड़ान भरना चाहता हूँ। वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, जब ज़मीन पर ओस होती है तब। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सैड सेप्टेम्बर, तुम जहाँ हो वही ठीक हो। लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, सैड द लिटिल बर्ड। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उसने बाहर खिसकने की कोशिश करी पिंजरे की जो सलाखें थे उसके पीछे से। बट ऑफ कोर्स कूडंट, परंतु वो बाहर नहीं निकल सकी। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और उसने दरवाज़ा पीटा उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट। बट ऑफ कोर्स ही कूडंट ओपन इट, परंतु वो नहीं खोल सका उसको। देन द एट प्रिंसेसेस, तब आठ राजकुमारियाँ थी, वो क्या करती है, केम इन एंड लुक्ड एट हिम, अंदर आती है, देखती है। दे टोल्ड सेप्टेम्बर सी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, और सेप्टेम्बर को बताती है कि उन्होंने उसकी उनकी सलाह पर काम करके बहुत बुद्धिमानी की। दे सैड ही वुड सून गेट यूज टू द केज, और वो शीघ्र ही इस पिंजरे का आदि हो जाएगा। एंड इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से भूल जाएगा कि वो कभी आज़ाद भी था। द लिटिल बर्ड सैड नथिंग एट ऑल, पक्षी ने कुछ नहीं कहा। वाइल दे वर देयर, जबकि वो वहाँ थे। बट एज सुन एज, परंतु शीघ्र ही, दे वर गोन, ही बिगेन टू क्राई अगेन, जब वो जा चुके थे तो वो चिल्लाने लगे। लेट मी आउट, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, सैड सेप्टेम्बर, ऐसी मूर्खता मत करो। आई हैव पुट यू इन केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत शौकीन हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, तुम नहीं जानते, तुमसे ज़्यादा कहीं। सिंग मी ए लिटल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ सुगर, मेरे लिए एक गाना गाओ और मैं तुम्हें एक टुकड़ा सुगर का दूंगी, कहती है। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, लेकिन पक्षी था अपने कोने में चुपचाप बैठा रहा। लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, और नीले आसमान की तरफ देख रहा था। एंड नेवर सिंग ए नोट, और कभी गाना नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सिंगिंग, सैड सेप्टेम्बर, क्या हो गया तुम्हें, वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, तुम गाते क्यों नहीं और अपनी मुसीबतों के बारे में भूल क्यों नहीं जाते। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ, आंसर द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ। एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस, और पेड़ों को और झील को और हरे खेतों को। ग्रोइंग इन द फील्ड्स, खेतों में उग रहे हैं, जो खेत उग रहे हैं उनको। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, हर दिन मैं तुम्हें बाहर ले जाऊँगी, सी सैड, उसने कहा। इट्स नॉट द सेम थिंग, ऐसी चीज़ ये बराबर बात नहीं होगी, सैड द लिटिल बर्ड, पक्षी ने कहा। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट, धान के खेत और झील और विलो है वो मेरे को अलग दिखाई देंगे। व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज, जब आप उनको पिंजरे से देखते हो तब। द बर्ड वुडंट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट ए थिंग, पक्षी ने एक भी गाना नहीं गाया और एक भी कहने की एक कुछ भी खाया नहीं। द प्रिंसेस वाज ए लिटल एनेक्सियस एटर, प्रिंसेस थोड़ी चिंतित थी उसके बारे में। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, तो उसने अपनी बहनों से पूछा कि वो क्या करे। यू मस्ट बी फर्म, तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए, दे सैड, उन्होंने कहा।
बट इफ़ ही वॉन्ट इट ही विल डाई, यदि वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा, सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सैड, उसके लिए बहुत कृतज्ञता होगी। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, उसे सोचना चाहिए कि तुम उसके बारे में अच्छा सोचती हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज, इट विल सर्व हिम राइट, यदि वो जिद्दी है और मर जाता है तो ये उसके लिए सही रहेगा। एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिडेंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, सेप्टेम्बर ये देख नहीं पा रही थी कि वो कैसा हो, उसके साथ क्या हो रहा है। बट दे वर 8-1 एंड ऑल ओल्डर देन सी, लेकिन वो उससे सारी बड़ी थी और वो 8 थी। सो सी सेड नथिंग, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू केस हिज केस बाय टुमारो, हो सकता है कल तक इसको आदत पड़ जाए, सी सेड, उसने कहा। एंड नेक्स्ट डे व्हेन सी अवोक सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस, और जब वो सुबह जल उठी तो उसने उसको गुड मॉर्निंग कहा खुश होते हुए। सी गॉट नो आंसर, उसको कोई उत्तर नहीं मिला। सी जंप्ड आउट ऑफ बेड, वो बिस्तर से उठी एंड रेन टू द केज, और पिंजरे तक गई। सी गेव स्टार्टल एंड क्राई, वो चिल्लाई, फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, जहाँ पक्षी लेटा था, एट द बॉटम तलहटी पर, ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड, और अपनी साइड में आंखें बंद किए, एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, ऐसे दिख रहा था जैसे वो मर गया हो। सी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, उसने दरवाज़ा खोला और क्या किया, अपने हाथ उसके ऊपर रखे और उसको उठा लिया। सी गेव ए सोब टू रिलीफ, उसने सुबकी ली, फोर सी फेल्ट दैट सी दैट हिज लिटिल हर्ट वॉज बीटिंग स्टिल, और उसने थोड़ा महसूस किया, जब उसने अच्छा महसूस किया, रात की सांस ली उसने, कि उसका छोटा सा दिल है अभी धड़क रहा है। वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, उठो उठो छोटे पक्षी, उसने कहा। सी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वो और ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसके आंसू थे वो पक्षी के ऊपर गिरे। ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, उसके ऊपर कोई भी सलाखें नहीं हैं। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, जब तक मैं फ्री नहीं होता मैं नहीं गा सकता। एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई विल डाई, आई डाई, और मैं गाता नहीं तो मैं मर जाता, ही सैड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सोब, प्रिंसेस को और ज़्यादा रात मिली। देन टेक योर फ्रीडम, तब तुम अपनी आज़ादी लो, सी सैड, उसने कहा। आई सेट यू इन ए गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू, मैंने तुम्हें एक सुनहरे पिंजरे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती थी। एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं केवल तुम्हें अपने लिए ही रखना चाहती थी। बट आई नेवर नेव इट वुड किल यू, परंतु मुझे नहीं पता था ये तुम्हें मार देगा। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, जहाँ जैसा तुम चाहो वैसे खुश रहो। सी थ्री ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, उसने क्या किया और उसको खोल दिया, खिड़की को खोल दिया और पक्षी के आने जाने के लिए। सी सुक हिमसेल्फ ए लिटल, और वो अपने आप थोड़ा सा झुकी। कम कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, जाओ और आओ जैसा तुम चाहो, सी सैड, उसने कहा। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें कभी पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू, मैं आती रहूँगी, आता रहूँगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी, सैड द बर्ड, उसने कहा, पक्षी ने कहा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, जितना हो सकेगा मैं अच्छे अच्छे गीत तुम्हें सुनाऊँगा। आई नो आई सेल गो फार अवे, मैं जानता हूँ मैं दूर जा रहा हूँ, बट आई सेल ऑलवेज कम बैक एंड आई सेल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं जानता हूँ वापस आऊँगा और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, और उसने दोबारा से एक हिला, वो थोड़ा सा मिला। गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना अकड़ गया हूँ, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य किया। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इन टू द ब्लू, और वो नीले आसमान में उड़ गए, अपने पंखे फैलाई और उड़ा। बट द लिटिल प्रिंसेस ब्रश्ड इन टू टीयर्स, लेकिन छोटी राजकुमारी रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि दूसरे की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना जिसे तुम प्यार करते हो। एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, और वो उसके बारे में सोच रही थी
और छोटा पक्षी था वो दूर चला जाता है। उसने महसूस किया ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनली, अकस्मात ही अपने आप को बहुत अकेला। वैन हर सिस्टर्स ने वाट हैड हैपन दे मोक्ड हर, जब उसकी बहनों को पता चला कि क्या हुआ है तो उन्होंने उसका मजाक बनाया। एंड सैड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और कहा कि वो छोटा पक्षी कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन आखिरकार वो आ गया। एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर, और वो सेप्टेम्बर के कंधे पर बैठा। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसके हाथों से खाना खाया। एंड सिंग हर द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, और उसके लिए अच्छे अच्छे गीत गाए। ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो उसने सीखा गाना क्योंकि वो अच्छी अच्छी जगह पर गया था संसार में। सेप्टेम्बर कैप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, सेप्टेम्बर अपनी खिड़की हमेशा दिन और रात खुली रखती थी। सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम, इसलिए कि छोटा पक्षी उसके कमरे में आ सके। वेन एवर ही फेल्ट इनक्लाइंड, जब उसकी इच्छा हो तभी। एंड दिस वॉज ए वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए बहुत अच्छा था। सो सी ग्रीव एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, इसलिए वो बहुत सुंदर होती चली गई। एंड वैन सी वॉज ओल्ड इनफ सी मैरिड, और जो जब विवाह के लायक हो गई, शादी के लायक हो गई, द किंग ऑफ कम्बोडिया वॉज एंड वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट, और कम्बोडिया का जो किंग है वो सफ़ेद हाथी पर आया। एंड वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे, और उसको पूरे रास्ते सफ़ेद हाथी पर ले गया, और उससे शादी की उसकी। टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और उस शहर के अंदर जहाँ राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, परंतु उसकी बहनें कभी अपनी खिड़की खोलकर नहीं सोती थी। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली, और इसलिए वो क्या हो गई, भद्दी हो गई बुरी तरह से। एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और चिड़चिड़ी भी हो गई। एंड वैन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, जब उनकी शादी का समय आया, देवर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसिलर्स, और उनको राजा के दरबारियों को से उनकी शादी कर दी गई। विद ए पाउंड ऑफ टी, एक पाउंड टी दे करके, एंड ए सियामीज कैट, और एक सियामीज बिल्ली दे करके। सोमरेस्ट मोगम की लिखी हुई स्टोरी है।